हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विन IAS के यूट्यूब चैनल पे। और पिछले वीडियो में हमने यूनिट 7 के कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे, तो आज हम फिर से यूनिट 7 के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक होने वाला है आज का वो है प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम कुछ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और संस्थान से, जैसे अगर आपने पिछली बार का प्रीलिम्स दिया होगा तो उसने आपसे दो सवाल पूछे थे। एक पूछा था 2020 में कि व्योम मित्र जो है वो किस संस्थान ने बनाया है, और लास्ट ईयर जो 2021 का प्रीलिम्स हुआ था उसमें उन्होंने पूछा था कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो उससे ही मिलते जुलते कुछ हम सवाल यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। ये लगभग 20 से 25 मिनट का लेक्चर होने वाला है, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम सॉल्व करें। तो सबसे पहला है यहाँ पे CSIR। अब CSIR, जैसे लास्ट टाइम अगर उसने इसरो पूछा है तो इस बार संभावना बनती है कि वो CSIR को पूछ सकता है। तो क्या है CSIR? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 में CSIR की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब यहाँ पे तीन फैक्ट आपको याद रखने हैं कि CSIR का फुल फॉर्म क्या है, उसकी स्थापना कब हुई थी, और उसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 1942 में, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आता है कि प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। अब यहाँ से ये सवाल बन सकता है कि CSIR के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, तो अभी इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री CSIR के अध्यक्ष होते हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये CSIR के बारे में आपको याद रखना है तीन चार फैक्ट। उसके बाद हमारा आता है ICAR। अगर हम अगले संस्थान की बात करें तो ICAR है, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म है द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो जो हमारी कृषि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1929 में। ध्यान रखेंगे आपकी भाई, जो हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी 1929 में, 1929 में। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में, ध्यान रखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में। आपको जितने भी संस्थान हैं उनके फुल फॉर्म याद करना है, उनके आपको स्थापना याद करनी कब हुई थी, और उनका हेडक्वार्टर याद कर लेना है बस। ठीक है, यहाँ पे एक और संस्थान आपने सुना होगा बार्क। तो बार्क का फुल फॉर्म क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे बार्क का फुल फॉर्म क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये ट्रांबे में है। ठीक है, ट्रांबे, और ये मुंबई में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो मुंबई में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हमारी ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले संस्थान पे चलते हैं। यहाँ से सवाल बनने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार अगर उसने इसरो पूछा है तो इस बार वो DRDO पूछ सकता है। DRDO का फुल फॉर्म आपको सबसे पहले याद रखना है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप क्या है फुल फॉर्म, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो आप सिंपल से याद रखेंगे 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, और ये जो है वैज्ञानिक अनुसंधान जो है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जितनी भी नई प्रौद्योगिकी हो सकती है, मिसाइल्स हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, तो वो DRDO करता है। अभी इसने प्रहार, एक याद रखेंगे आप प्रहार, इसने एक डिज़ाइन की है मिसाइल प्रहार। तो DRDO का आपको स्थापना याद रखनी है कि 1958 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, फुल फॉर्म इसका है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम रिवाइज़ कर रहे हैं, इसके डीप में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसके बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे काम है प्रीलिम्स में बहुत कम टाइम बचा है, तो हम फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर सकें। अब आप आ जाइए RR कैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इंदौर में है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है,
तो भाई इसके बारे में देख लो ये क्या है। तो आरआर कैट का फुल फॉर्म याद रखना है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, आरआर कैट है। इसकी स्थापना याद रखेंगे 1984 में आरआर कैट की स्थापना हुई थी, 1984 में आरआर कैट की स्थापना हुई थी, ये इंदौर में है, ध्यान रखेंगे। लेज़र से संबंधित जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं ना, कणों वगैरह से, तो उसके बारे में ये करता है, ठीक है। ये हमारी जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है या जितनी भी हमारी आधुनिक चीज़ें होती हैं आरआर कैट में, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो याद रखेंगे आरआर कैट कब बना, आरआर कैट 1984 में बना। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय इंदौर में है, ठीक है। सवाल आएगा आरआर कैट की स्थापना को भी आप लगाएंगे 1984, आगे बढ़ जाएंगे, मुख्यालय पूछेगा, आप बता देंगे कि भाई मुख्यालय उसका इंदौर में है। इसरो, पिछली बार 2021 के प्रीलिम्स में सीधा सीधा उसने सवाल पूछा था कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। उससे पहले वाले प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे तो उसने पूछा था व्योम मित्र किसने किस संस्थान द्वारा बनाया गया। उससे पहले अगर आप जाएंगे तो उसने वायरस का फुल फॉर्म पूछ लिया था। हर बार वो एक सवाल फुल फॉर्म से पूछ लेता है, तो इस बार देख लीजिए कि इसरो का फुल फॉर्म बहुत सारे लोगों का गलत हो गया था क्योंकि वो सही से कर नहीं पाए थे। अगर हमें प्रीलिम्स क्रैक करनी है तो हमें परीक्षा का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा कि वो किस पैटर्न से सवाल पूछ रहा है। हर बार वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, उससे मिलते जुलते वो सवाल पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाई कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। यहाँ पे जो हमारे विक्रम साराभाई हैं, ये 2019 के प्रीलिम्स में पूछ लिया था कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको बोलते हैं, तो विक्रम साराभाई उसका सही उत्तर था। अब इन्होंने सबसे पहले एक बनाया था, इसका मुख्यालय देख लीजिए बेंगलुरु में, विक्रम साराभाई ने सबसे पहले एक अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बनाई थी और उसके बाद विकास शुरू हुआ और उसके बाद हमने 1969 में इसरो की स्थापना कर दी, ठीक है, इसका मुख्यालय देख लेना आप। उसके बाद आगे आ जाते हैं, अब यहाँ से हमारे सवाल शुरू हो रहे हैं, यहाँ से हमारे सवाल शुरू हो रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। बार का आपको मैंने बता ही दिया है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इस बार ये आ सकता है क्योंकि अभी चर्चा में रहा था, ठीक है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, आ जाओ भाई। अब उससे ही अभी जो मैंने पहला आपको बताया था उसमें ही आपका ये सवाल आ गया है कि आपका ये जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब हुई थी, बताओ CSIR की स्थापना कब हुई थी। तो सिंपल सा याद रखना है फटाक से, अभी मैं बता चुका हूँ कि भाई 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री, ठीक है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सवाल कुछ नहीं आते, सवाल हम जो पढ़ते हैं वहीं से आ जाते हैं, लेकिन हम गलत अप्रोच या गलत तरीके से, कई बार हमको सही उत्तर आ रहा होता है लेकिन हम, जैसे अब सन आप देखोगे सबने CSIR पढ़ी होगी लेकिन 42, 48, 45, 52 कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कन्फ्यूज़न नहीं करना है, सिंपल सा उसका उत्तर लगा के आना है। अब यहाँ पे मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम में आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी कि भाई तीन संस्थान हैं और उनकी स्थापना है। तो सबसे पहले आपको आएगा कि भाई इसरो की स्थापना 1969, बिल्कुल हम अभी देख चुके हैं 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद DRDO बिल्कुल हम अभी देख के आए 1958 में, और ये है आपका TIFR, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जून 1945 में हुई थी। तो इसमें जो है वो तीनों सही हो जाएंगे आपके। हमारा इस सीरीज़ का उद्देश्य है कम समय में आप देखें वीडियो, 10 मिनट में देखें, 10 फैक्ट याद रखें, उनमें से अगर एक आधा एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपका प्रीलिम्स निकालना मेन उद्देश्य होना चाहिए। मेंस में इनके बारे में फुल फॉर्म और बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आप देखो ये 2020 की प्रीलिम्स का रिपीट सवाल है, इसमें इनने पूछा है कि व्योम मित्र किस संस्थान द्वारा। तो सबसे पहले मैं व्योम मित्र के बारे में बता देता हूँ कि अभी हम एक मिसल लॉन्च करेंगे गगनयान, ठीक है, उसमें हम इसको भेज रहे हैं और ये अर्ध मानवीय रोबोट है, मतलब ह्यूमनाइड रोबोट है, ठीक है, अर्ध मानवीय रोबोट है, कौन, व्योम मित्र। अब अगर व्योम मित्र है तो भाई इसको किसने विकसित किया है, तो इसको इसरो ने विकसित किया है, ध्यान रखेंगे इसरो ने इसको विकसित किया है, किसको, व्योम मित्र को। अब यहाँ पे पहले ऑप्शन में CDAC है, तो आपको पता होना चाहिए CDAC पुणे में है और ये कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं
उसका जो डेवलपमेंट है वो सीडेक करती है, सीडेक संस्थान है, ठीक है। डीआरडीओ आपको पता ही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। आप देखें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, बताओ भाई सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए केवल पढ़ाई की फैक्ट की हम बात करेंगे और फटाफट इसको रिवाइज करते जाएंगे। आगे आ जाओ अगले, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, अभी बता चुका हूँ भाई डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है। अब आपको लग रहे होंगे कि सर ये तो बहुत सरल सवाल है, इनको पढ़ के क्या करेंगे, लेकिन ऐसे ही सवाल आप एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हैं। पिछली बार उसने पूछा था भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, बहुत सारे लोग 1982-84 में कन्फ्यूज़ थे, बहुत सारे लोग गलत आंसर लगा के आ गए थे। 2 से 3 दिसंबर 1984 को MIC गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। DRDO का मुख्यालय हमारे नई दिल्ली में है। भोपाल गैस त्रासदी आपको याद रखना है 1984 में, उस समय मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे अर्जुन सिंह, ठीक है। अर्जुन सिंह जो थे उस समय हमारे प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ सॉरी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अर्जुन सिंह थे। राज्यपाल कई बार पूछ लेता है, तो ऐसे हमको सवाल लिंक करते हुए चलना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। बेंगलोर याद रखना है, बेंगलोर को बोलते हैं सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, आगे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस सवाल में कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपको मालूम है कि भाई क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का आपको डिफरेंस पता है, तभी आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो इस सवाल में आप पढ़िए कि छोड़े जाने के बाद हवा में अर्धचंद्राकार, मतलब कि ऐसा वाला जो पथ है ना, ये मान के चलो, ये कौन सी मिसाइल अनुसरण करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्रूज़ मिसाइल है, ड्रोन मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, या सभी मिसाइल हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्रूज़ मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल में क्या, क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम क्रूज़ मिसाइल की बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलो एक कोई मिसाइल है, इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है। अब मान के चलो ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है, इसको हमें हिट करना है। तो और ये हमारी मिसाइल है, ठीक है, ये यहाँ पे इंजन लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ हम हिट करेंगे, तो अगर सीधे जाके टारगेट को हिट करे, अगर ये इधर उधर भागता भी है और उसमें जाके सीधी मिसाइल हिट करती है, तो वो हमारी क्रूज़ मिसाइल कहलाएगी, ठीक है। अब क्रूज़ मिसाइल को आपको याद रखना है कि ये टारगेट को ढूंढ के और उस पर अटैक करती हैं। तो इसका एग्ज़ाम्पल आप ध्यान रखेंगे कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, कौन सी मिसाइल, ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक टाइप की क्रूज़ मिसाइल है। अब क्रूज़ मिसाइल की विशेषता क्या है कि इसमें जेट इंजन का उपयोग होता है, कौन सा इंजन, जेट इंजन, ठीक है। और इनकी क्षमता कम होती है और ये कम दूरी पे जाके मार करती हैं, तो क्रूज़ मिसाइल होती है। लेकिन अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, तो मान के चलिए ये हमारा टारगेट है, हम यहाँ से मिसाइल छोड़ेंगे तो वो ऊपर जाएगी हवा में और फिर जाके अपने टारगेट को हिट करेगी। तो ये जिस तरीके की मिसाइल होती हैं, वो होती हैं आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसमें कौन सी मिसाइल आएगी एग्जांपल में, तो इसमें आपकी आ जाएगी अग्नि। अग्नि सीरीज़ की जितनी भी मिसाइल हैं वो आपके बैलिस्टिक मिसाइल का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। ड्रोन क्या होता है, ड्रोन वो होते हैं मानव रहित रोबोट होते हैं, जिनको हम हाथ से कंट्रोल करते हैं, और ये भी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में, इसराइल बहुत ज़्यादा ड्रोन बना रहा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हवा में अगर अर्धचंद्राकार या इसको परवलाकार बोलते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल जो है ब्रह्मोस है, जेट इंजन होता है, टारगेट को ढूंढ के हिट करती है, ठीक है। अग्नि है, बैलिस्टिक मिसाइल अर्धचंद्राकार होती है, ये ज़्यादा क्षमता की है, ये कम क्षमता की, इसमें जेट इंजन होता है, इसमें रॉकेट इंजन होता है, ध्यान रखेंगे रॉकेट इंजन, क्योंकि ऊपर जाएंगी, ऊपर जाके फिर अपने टारगेट को हिट कर देंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं, ये सवाल इस बार प्रीलिम्स में अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई रही तो देखने को मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष किसे कहा जाता है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिल काकोडकर। ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष किसे बोलते हैं, तो अनिल काकोडकर को बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं। चंद्रयान मिशन के लैंडर को क्या नाम है, या चंद्रयान मिशन का जो लैंडर था उसका क्या नाम है, तो बताओ भाई, हमने चंद्रयान के 2 मिशन लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है, हमने चंद्रयान 2 की बात करी है, तो अब 2 की बात करी है, तो चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था, थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रयान 1 जो है वो हमने लॉन्च किया था अक्टूबर 2008 में,
ठीक है। और चंद्रयान टू जो है, अगर हम दो की बात करें तो ये हमने लॉन्च किया था 2019 में, ध्यान होगा आपको। चंद्रयान टू जब हम सफल होने ही वाले थे तो 2 किलोमीटर पहले हमारा संपर्क टूट गया। ऐसे ही आपके रिलेशन में होता है, जब आप सफल होने वाले होते हो घर वाले आके संपर्क तोड़ देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसमें दो चीज़ें थी, एक इसमें था लैंडर और एक इसमें था रोवर। चंद्रयान टू की मैं बात कर रहा हूँ। चंद्रयान टू को हमने 2019 में लॉन्च किया था, चंद्रयान वन को हमने 2008 में लॉन्च किया था। अगर हम इनके उसकी देखें कि इसमें कौन सा यूज़ हुआ था, तो इसमें हुआ था GSLV M3, ठीक है। चंद्रयान टू में हमने जो यान यूज़ करा था उसका नाम था GSLV L3, और चंद्रयान वन में कौन सा लॉन्च किया था तो देख लो भाई, इसका था PSLV C25, ठीक है। C11, इसको 11 कर लो, C25 नहीं है, C11 है, ठीक है। चंद्रयान वन 2008 में लॉन्च किया था PSLV C11 के द्वारा, चंद्रयान टू 2019 में लॉन्च किया CSLV MK3 द्वारा हमने लॉन्च किया था। इसमें दो चीज़ें थी, तो लैंडर और रोवर। तो इसमें लैंडर का नाम पूछ रहा है, ठीक है, ये सवाल समझाने के लिए मैंने आपको इतनी रामायण समझाई है। तो रोवर का नाम था प्रज्ञान, ठीक है, और लैंडर का नाम था विक्रम। ये सवाल हालांकि पूछना होता तो पूछ लेता, लेकिन अभी भी पूछ सकता है कि भाई क्या है, तो इसका सही उत्तर आप लगा के आएंगे क्या, विक्रम। लैंडर का नाम क्या था, तो विक्रम इसका नाम था, ध्यान रखेंगे। काय का, चंद्रयान टू के लैंडर का। चलो आ जाओ अगले सवाल पे आते हैं। आर्यभट्ट जो है वो कब प्रक्षेपित किया, या आर्यभट्ट जो हमने यान भेजा था वो भारत का पहला यान था, ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट जो था वो भारत का पहला यान था, ठीक है। इसको हमने 19 अप्रैल 1975 को इसको हमने लॉन्च किया था, 1975 को। अब यहाँ पे अगर प्रक्षेपण यान की बात हुई है तो मैं आपको भारत के इम्पॉर्टेंट जितने भी प्रक्षेपण यान हैं वो बता देता हूँ। तो आर्यभट्ट हमने लॉन्च तो किया था, लेकिन ये हमने भारत में लॉन्च नहीं करा था, ये हमने विदेश की सहायता से लॉन्च किया था। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि भारतीय भूमि से हमने पहला कौन सा प्रक्षेपण यान लॉन्च किया था, तो आप याद रखेंगे रोहिणी को आप याद रखेंगे, ठीक है, कि हमने भारतीय भूमि से कौन सा पहला प्रक्षेपण यान था जो लॉन्च किया था, तो वो हमारा था रोहिणी। अब आता है कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है, तो आप यहाँ पे ध्यान देखेंगे कि जो संचार उपग्रह है पहला, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एप्पल, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह अगर बात करें तो आर्यभट्ट आपको ध्यान रखना है, भारतीय भूमि से छोड़ा गया पहला उपग्रह अगर आपसे पूछें तो आपको रोहिणी याद रखना है, और पहला संचार उपग्रह अगर आपसे पूछते हैं तो आप ध्यान रखेंगे एप्पल। बहुत सारे उपग्रह हमने लॉन्च किए हैं। प्रक्षेपण यान की बात करें तो SLV पहले आता है, फिर PSLV आता है, फिर GSLV आता है, फिर अभी RSLV पे हम लोग जा रहे हैं कि रीयूज़ करेंगे लॉन्च करने के बाद। बहुत इस जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में इतना कुछ है पढ़ने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन हमको कम समय में रिवीजन करना है तो हम फैक्ट की तरफ देख रहे हैं। बताने को तो मैं एक क्वेश्चन में ही पूरे आधे घंटे निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को आपको बताना है कि भाई प्रीलिम्स में बहुत कम समय बचा है, लगभग आपके पास 15 दिन भी नहीं बचे हैं। तो आपसे निवेदन है कि सिर्फ सटीक जानकारी पढ़िए, इधर उधर से कुछ मत पढ़िए। आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। अभी बहुत सारे हवाई जहाज़ क्रैश हुए हैं, लास्ट टाइम आपको पता होगा जो हमारे CDS हैं बिपिन रावत, उनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। तो उसमें जो एक ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे अगर ब्लैक बॉक्स का रंग पूछा है तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो ब्लैक बॉक्स का रंग ब्लैक लगा देंगे, लेकिन एक्चुअल में ब्लैक बॉक्स का रंग ऑरेंज होता है, मतलब नारंगी है ना, ऑरेंज, ध्यान रखेंगे। ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, तो ब्लैक बॉक्स का रंग ऑरेंज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हवाई जहाज़ में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उनको ये रिकॉर्ड करके रखता है। अगर मान के चलिए कोई प्लेन क्रैश हो गया, तो भाई वो किन वजहों से क्रैश हुआ उसकी सारी जानकारी इस ब्लैक बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। तो हमने 10 सवाल डिस्कस किए, कुछ संस्थान डिस्कस किए, उसके बाद हमने क्या बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। हमने क्रूज़ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने CSIR, DRDO, ISRO इसके बारे में पढ़ा, 15 दिन है, सटीक पढ़िए, इधर उधर का नॉलेज बिल्कुल मत लीजिए। इन 10 सवाल में से अगर आपका एक भी पेपर में आ जाता है ना, तो
आप आगे हो जाएंगे। एक एक नंबर से प्रीलिम्स रुक जाता है, आपको पता होगा एक एक नंबर से लोगों का प्रीलिम्स रुक जाता है, तो आप वो गलती बिल्कुल मत करिए। हमेशा 4 से 5 नंबर का मार्जिन लेके चलिए और कोशिश करिए कि क्या बोलते हैं आप इस प्रीलिम्स में 80 प्लस स्कोर कर जाएं, ठीक है। नहीं तो आपको पता ही है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है आजकल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, सटीक जानकारी पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गलती कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएँ, लेकिन मैं सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने ला रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इन 15 दिनों में मैं कुछ रणनीति बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 15 दिनों में आप वो रिवाइज करिए जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे इन 15 दिनों में सभी को एमपी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एमपी से पिछली बार 38 क्वेश्चन थे, 38 क्वेश्चन एमपी से थे। अगर जिसका एमपी बहुत अच्छा है ना, उसका प्रीलिम्स तो कोई नहीं रोक सकता है, तो एमपी बहुत अच्छा करिए। आयोग का सिलेबस बहुत कम है, ठीक है। आयोग देख लीजिए, यूनिट 9 देख लीजिए, ठीक है। यूनिट 9 ये दोनों, जितने में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना उतने में आप एमपी आयोग ये तीनों, तो 38 + 10 + 10 लगभग 58 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए इन तीन यूनिट के। यूनिट 7 जोड़ देंगे तो 68, और उसके बाद थोड़ी सी पॉलिटी जोड़ देंगे तो 78। लो, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ के जाओगे तो काम हो जाएगा, लेकिन पढ़ के जाइए। एमपी पे ज़्यादा काम कीजिए, आयोग पे ज़्यादा काम कीजिए, यूनिट 9 पे ज़्यादा काम करिए। इन टॉपिक्स को देखते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। यूनिट 7 को कोशिश रहेगी कि हम कम पढ़ें, लेकिन वो पढ़ें जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स निकालना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। थैंक यू सो मच।